नमस्कार। मेरे एक मित्र हैं, फेसबुक पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा कि सफलता के लिए क्या जरूरी है, मेहनत, भाग्य या ईश्वर। तो जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ और इसमें तीन ऑप्शन देखता हूँ कि मेहनत है, भाग्य है या ईश्वर है, तो मेरा जो आंसर है वो ईश्वर है। और जब मैं इस आंसर को, इस ऑप्शन को बोलता हूँ कि पहला मेरा जो ऑप्शन है वो ईश्वर है, उससे मेरा क्या मतलब है, ये मैं पहले क्लियर करूँगा। तो आपको जो इस राय को रखते हैं कि क्रम जरूरी है, मेहनत जरूरी है, वो उस चीज़ को समझ जाएंगे। तो किस परिप्रेक्ष्य में मैंने जो कहा है कि पहले ईश्वर जरूरी है, फिर कर्म जरूरी है, भाग्य तो किसी के हाथ में नहीं है। भाग्य तो संचित कर्म है, जो भी आपने कर्म किए होंगे। अगर हम पूर्व जन्म की अवधारणा पर चलते हैं तो हम लोगों ने जो कर्म किए हुए हैं, तो उन कर्मों के आधार पर इस जीवन में हम इस शरीर के साथ जो भी परिणाम जुड़े हुए हैं, अच्छे या बुरे, उनको हम लोग बोलते हैं कि सुख मिला, शरीर को सुख मिला, शरीर से जुड़ी हुई इंद्रियों को सुख मिला, तो हम कहते हैं कि भाग्य अच्छा, ये प्रारब्ध में ऐसा रहा होगा। और अगर कहीं शरीर का और शरीर से जुड़ी इंद्रियों को दुख मिला, तो हम कहते हैं कि ये भाग्य में ऐसा था और ऐसा हुआ। तो भाग्य किसी भी आदमी के हाथ में नहीं है, किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। तो वो जो कर्म है, उनका जो रिजल्ट है, वो इस शरीर को मिलना ही मिलना है, क्योंकि इस शरीर की जो रचना हुई है, जैसे कि सभी बड़े बड़े संत लोग बोलते हैं, वो पाप और पुण्य से मिलकर के हुई है, तो उसका रिजल्ट सुख और दुख के साथ मिलेगा ही मिलेगा। तो जो सवाल है, उस सवाल पर फोकस करते हैं कि किसी भी कार्य की जो सफलता है, उस सफलता के पीछे मेहनत, भाग्य या ईश्वर जरूरी है। अब आप ये देखिए कि आप बिना ईश्वर के, बिना ईश्वर जब मैं बोल रहा हूँ, बिना परमात्मा के जब मैं बोल रहा हूँ, तो उस परमात्मा से जुड़ी हुई वो सब गुण, वो सब अच्छाई आपके अंदर है। मैं जो बात कह रहा हूँ, जब मैं परमात्मा, ईश्वर, भगवान को देखता हूँ, तो भगवान सद्गुणों से प्रेरित एक आकृति है। अगर मैं उसको देखता हूँ या उसके साथ चलता हूँ या उसको पहला प्रिफरेंस देता हूँ, तो जो परमात्मा, ईश्वर, जो भगवान है, वो कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो समाज के हित में नहीं होगा, या ऐसा नहीं होगा जो किसी को दुख पहुंचाएगा। तो अब सवाल ये है कि जो कोई आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति, वो जो सफलता है, असफलता है, वो जो आपने निर्णायक एक कुछ पैरामीटर रखे हैं, वो किसने रखे हैं? वो समाज ने रखे हैं, मैंने रखे हैं, हम लोगों से ही मिलकर समाज बना है। तो जो लक्ष्य के परिणाम हैं, अगर वो अच्छे या बुरे हैं, तो उसको सफलता और असफलता बोलते हैं। सफलता प्रशंसा के अधिकार में है और असफलता आपकी विवेचना या आपके बारे में कोई भी तर्क आ सकता है। तो जब मैं आप प्रभु या परमात्मा, ईश्वर को पहला ऑप्शन या पहला विकल्प रखता हूँ किसी भी कार्य की सफलता के लिए, तो इसका मेरा तात्पर्य यह है कि परमात्मा को जब मैं साक्षी रखता हूँ, तो मेरे जो भी कर्म होंगे, क्योंकि भाग्य मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में केवल भगवत प्राप्ति और कर्म है। तो बिना कर्म के किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर मैं वो लक्ष्य इस सांसारिक रूप के अंदर, इस भौतिक जो संसार है, इसके अंदर प्राप्त करता भी हूँ, तो उसकी प्राप्ति या उस लक्ष्य की प्राप्ति मेरे अंदर बिना भगवान के अभिमान को प्रदर्शित कर देगी, और जो उसका फल का, जो उसका परिणाम है, उस परिणाम को मुझको कर्म बंधन में बांध देगी, और मैं उसको एक जो उसकी जो प्रशंसा होगी समाज की तरफ से, व्यक्ति के परिवार की तरफ से, उस वो प्रशंसा वो अभिमान की होगी।
लेकिन हम भगवत प्राप्ति के भगवान उस कार्य को भगवत प्राप्ति के समरूप लेकर के चलूंगा तो उसकी जो परिणाम होगा उसका जो परिणाम होगा वो एक आप समझें कि सुखदायी होगा सभी के लिए, मेरे लिए भी और उसके लिए भी। अगर ये भौतिक संसार के अंदर कोई सफलता असफलता किसी पद को किसी धन को प्राप्त करने की है तो वो जो पद और धन प्राप्त हुआ है उसमें आपका भाग्य भी इंक्लूड है, उसमें आपका भाग्य आपका सम्मिलित हुआ है, क्योंकि भाग्य जो है आपको समय के साथ में उसका फल प्रदान करता है, उसका जो भी आपके संचित कर्म है उसका परिणाम आपको मिलता है सुख और दुख की अवस्था में। जैसे ही आपने उस टाइम पे उस समय में संकल्प लिया और जो आपकी समय की स्थिति थी भाग्य की स्थिति थी उसके अनुसार आपको परिणाम मिला, तो किसी भी पद का किसी भी धन का किसी भी भौतिक वस्तु का जब प्राप्ति है और आप कह रहे हैं कि बिना कर्म के आपको मिली है तो उसमें भाग्य का और आपकी प्रभु के साथ जो ट्यूनिंग है जो आपकी आत्मीयता है जो आपने उसको समझा है तो वो उस कारण हुआ है। लेकिन हर कार्य में हर व्यक्ति उस परिणाम तक पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता भी एक सवाल है। लेकिन जब हम इस चीज को देखते हैं कि जो सफलता है असफलता है उसका निर्धारण किसने किया है, उसका निर्धारण कुछ लोगों या समूह या किसी संस्था ने किया है, तो जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उस कार्य को आप किस तरीके से देखते हैं कि वो जो कार्य था उसने निष्ठापूर्वक अपने आप को, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, निष्ठापूर्वक अगर कोई कार्य करेंगे तो हम किसी का वो कार्य करते हुए न तो उस कार्य में कोई कोई भी चूक रहेगी और ना ही उसमें कोई हम द्वंद रहेगा, वो केवल प्रभु के मार्ग का है, वो केवल प्रभु प्राप्ति के लिए है, उसमें प्रशंसा या किसी की आप समझे विवेचना या फिर किसी तरीके से लोक लाज का या फिर लोक द्वारा या समाज द्वारा या सामाजिक व्यवस्थाओं द्वारा उसके परिणाम पर निर्भर नहीं है जो व्यक्ति कर रहा है। तो अगर इस तरीके से कार्य किया जाए कि वो पहले व्यक्ति जो कार्य करने वाला है वो अपने आप को मान ले कि मैं भगवान का अंश हूँ, तो जब वो कार्य करेगा तो उसकी सफलता असफलता केवल लोक द्वारा किसी संस्था द्वारा निर्धारित हो सकती है, लेकिन उसकी जो परिणाम है उससे समाज का और सामाजिक का जो व्यवस्था है अगर उसका उत्थान हुआ है तो वो उत्थान उसकी कार्य के का पीछे जो उद्देश्य है और जो व्यक्ति द्वारा कर्म किया गया है निष्ठापूर्वक। तो यहाँ बिना भगवान के अगर हम कर्म करेंगे तो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाएगा और उसके कार्य के द्वारा जो सामाजिक उत्थान का कार्य है वो संपूर्ण नहीं हो सकता। तो भगवान द्वारा भगवान की प्रेरणा से भगवान द्वारा भगवान में निष्ठा रखकर जब कोई कर्म किया जाएगा तो वो कर्म जो होगा उसका जो परिणाम होगा वो सभी प्रकृति के लिए सभी प्रकार की जो प्रकृति है जो समाज है जो सामाजिक उत्थान में वो जो है सभी लोगों द्वारा समाज द्वारा व्यक्ति द्वारा एक प्राणियों द्वारा वो लाभदायक होगा। तो यहाँ मेरा जो विवेचना है वो इस प्रकार से है कि कर्म की प्रधानता है लेकिन कर्म के साथ में सर्वप्रथम ईश्वर भगवान जो भी आप कहें उसको साथ में रखना, उसके बिना कार्य करना संभव है। कार्य कर्म का एक परिणाम आ सकता है लेकिन उसका जो भगवान के साथ में भगवान को साक्षी रखकर या भगवान को निष्ठा के साथ में जो कार्य किया जाएगा उसका परिणाम सदैव ही उच्च स्तर का होगा और उससे प्राणी जगत जो है वो हमेशा लाभान्वित होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ऐसा मेरा ये अपना विचार है। मेरे विचारों में भगवान जो है वो प्रथम है और भगवान को साक्षी रखकर उसको अपने समक्ष रखकर उसकी निष्ठा में रखकर कार्य करना ही
हम लोगों का जीवन है। धन्यवाद।